खेसारी लाल यादव जब स्टेज शो करते हैं काजल राघवानी के साथ तो अपना कंट्रोल खो देते हैं। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि खेसारी लाल यादव जब भी काजल राघवानी के साथ स्टेज शो करते हैं तो उनकी खूबसूरती में इतना खो जाते हैं कि स्टेज का ध्यान नहीं रहता है, पब्लिक का ध्यान नहीं रहता है, और खेसारी उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि देखने में थोड़ा अशोभनीय लगता है। लेकिन हम आपको बता दें कि काजल और खेसारी की केमिस्ट्री ही ऐसी है कि ये दोनों लोहे और चुंबक की तरह हैं, लोहे और मैग्नेट की तरह हैं। जी हाँ, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। काजल अगर खेसारी से दूर रहना भी चाहे तो भी खेसारी लाल यादव इस तरह की बातें करते हैं कि खेसारी लाल यादव के पास उन्हें आना ही पड़ता है, क्योंकि काजल राघवानी के होठों पर हंसी तो खेसारी लाल यादव ही लाते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो हुआ था। जी हाँ, लॉकडाउन से ठीक कुछ ही दिनों पहले हुआ था। उस स्टेज शो ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। हाँ, खेसारी लाल यादव ने तो कभी काजल राघवानी को चिढ़ाया, तो कभी उन्हें प्रपोज किया, तो कभी उन्हें गले से लगाया, तो कभी उन्हें चले जाने को कहा। हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि क्या हुआ। जब प्रपोज करने का वक्त आया तो खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को शर्मिंदा कर दिया। काजल राघवानी के लिए खेसारी ने कहा, इनके तो कई आशिक हैं लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं। इस पर काजल राघवानी शर्मा गई। अब फिर खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैंने तो इनकी मांग में 15 बार सिंदूर भरा है। यहीं पर खेसारी नहीं रुके, उन्होंने कहा ये तो पूरे यूपी बिहार की पत्नी है। तब खेसारी को लगा कि उन्होंने कुछ गलती की और ये बात काजल को नागवार गुजरेगी। तब उन्होंने बातों को संभालते हुए कहा कि नहीं, ये सिर्फ मेरी ही पत्नी है क्योंकि इन्हें मैंने सिनेमा में 15 बार सिंदूर भरा है। इस पर खेसारी ने सारी सिचुएशन तो संभाल ली, लेकिन उन्हें पता था काजल की नाराज़गी बाद में उन्हें झेलनी ज़रूर पड़ेगी। इसी स्टेज शो पर काजल राघवानी को मनाते हुए कई बार खेसारी लाल यादव उनके पीछे पीछे भागे और कई बार काजल राघवानी रूठी। ये सारा कुछ दर्शकों ने खूब इंजॉय किया। साथ ही साथ वो वक्त भी आया जब खेसारी लाल यादव ने अपना फेवरेट गाना गाया, जिस पर वो काजल को पकड़कर रोने भी लगे और इस पर काजल ने ही उनके आँखों से आंसू भी पोंछे। यानी आप ये कह सकते हैं कि इनकी जोड़ी फुल टू एंटरटेनर का पैकेज है, फुल टू एंटरटेनमेंट करती है और दर्शक इन्हें सिनेमा घरों में शायद इसीलिए देखने जाते हैं। भोजपुरिया दर्शक काजल और खेसारी से इतने अटैच्ड इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों की केमिस्ट्री ही कुछ इस कदर है कि ये दोनों एक दूसरे के लगते हैं। बात ये और है कि खेसारी की पत्नी चंदा यादव हैं और काजल राघवानी अभी शादीशुदा नहीं है, फिर भी पर्दे पर और पर्दे के बाहर भी इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।